आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है। जंतुओं के व्यवहार का वैज्ञानिक, जैविक और विशिष्ट अध्ययन ही इथोलॉजी कहलाता है। एनिमल बिहेवियर है क्या? इसे इन बिंदुओं से डिफाइन किया जा सकता है। जंतुओं के ऑब्जर्वेबल एंड क्वांटिफिएबल इवेंट्स ही व्यवहार बनाते हैं जो इसके सर्वाइवल के लिए आवश्यक हैं। लिविंग मैटर का किसी भी उद्दीपन के प्रति रेस्पॉन्स ही बिहेवियर है। बिहेवियर में वे सभी प्रोसेस आते हैं जिनमें जीव आउटर वर्ल्ड को सेंस करता है एवं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करता है। बिहेवियर शरीर के अंगों का कंबाइंड रिजल्ट होता है। हम कह सकते हैं बिहेवियर में सभी प्रकार के एनिमल बॉडी मूवमेंट्स, गेस्चर्स, पोस्चर्स, चेंज इन बॉडी कलर एंड वोकलाइजेशन डिस्प्ले इंक्लूड किए जा सकते हैं। इथोलॉजी को कुछ ब्रांचेज में बांटा गया है, जैसे इथो इकोलॉजी। इकोलॉजी की इस शाखा में किसी स्पीसीज का इन्वायरमेंट के जैविक एवं अजैविक घटकों के साथ रिलेशनशिप को अध्ययन किया जाता है। इथो फिजियोलॉजी, इसे बिहेवियरल फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें बिहेवियर के पीछे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट का अध्ययन किया जाता है। न्यूरो इथोलॉजी एंड इथो एंडोक्राइनोलॉजी इसकी दो मुख्य सब ब्रांचेज हैं। न्यूरो इथोलॉजी में पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए सेंसरी प्रोसेस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एस्पेक्ट से अध्ययन करते हैं। इथो एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोन एंड बिहेवियर के रिलेशन को डील करता है। इथो जेनेटिक्स में बिहेवियर के पीछे छुपे जेनेटिक एस्पेक्ट की स्टडी की जाती है। बिहेवियरल एम्ब्रियोलॉजी, यह प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल पैटर्न से जुड़ी ब्रांच है। ह्यूमन इथोलॉजी, इसमें मनुष्य के व्यवहार को इथोलॉजिकल मेथड से स्टडी किया जाता है। इथोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट में कुछ मुख्य डिफरेंसेस होती हैं, जैसे इथोलॉजिस्ट फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और रिजर्व में कार्य करती हैं, वहीं साइकोलॉजिस्ट अमूमन लेबोरेटरीज में कार्य करती हैं। इथोलॉजिस्ट एनिमल्स को उनके प्राकृतिक आवासों में अध्ययन करते हैं एवं रेयरली ही उन्हें सेक्रीफाई करते हैं। वहीं साइकोलॉजिस्ट एनिमल को कैप्टिविटी में रखते हैं और एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें सेक्रीफाई भी करते हैं। इथोलॉजिस्ट फील्ड में कैमरा, बाइनाकुलर, स्टॉप वॉच एंड जीपीएस सिस्टम रखते हैं। वहीं साइकोलॉजिस्ट विशेष रूप से डिजाइन बॉक्स, मेज और इससे जुड़े विभिन्न उपकरण रखते हैं। इथोलॉजिस्ट फील्ड में चींटी से हाथी तक जैसे वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स की स्टडी करते हैं। वहीं साइकोलॉजिस्ट लेबोरेटरी में कैट, रैट, पिजन्स एंड चिंपांजी जैसे जीवों का अध्ययन करते हैं। इथोलॉजिस्ट व्यवहार को एनवायरनमेंट के साथ कोरिलेट करते हैं। वहीं साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को साइकोलॉजी के साथ कोरिलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इथोलॉजी के क्षेत्र में विभिन्न वैज्ञानिकों के योगदान की। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में लिखा, एनिमल भी अंतर्दृष्टि रखते हैं और परिवार के लिए प्यार दर्शाते हैं। विलियम हार्वे ने बर्ड्स के ब्रीडिंग, नेस्टिंग एंड इंक्यूबिएशन बिहेवियर का अध्ययन किया। चार्ल्स डार्विन ने 1872 में लिखी पुस्तक द एग्रेशन ऑफ इमोशंस इन
मैन एंड द एनिमल्स में फर्स्ट टाइम एनिमल बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी प्रस्तुत की। जॉन रोमनीज जो डार्विन के स्टूडेंट थे, उन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी। चार्ल्स ओ व्हाइटमैन ने अपनी बुक एनिमल बिहेवियर में पिजन्स एंड डॉग्स के बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस को प्रस्तुत किया। ऑस्कर हेनरोथ ने जीवन भर वाटरफॉल पर कार्य करते हुए इथोलॉजी ऑफ एनाटीडिया लिखी। एनिमल बिहेवियर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए कॉनरेड लॉरेंज, निको टिनबर्जन और कार्ल वॉन फ्रिश को सामूहिक रूप से 1972-73 के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब हम वन बाय वन इन तीनों वैज्ञानिकों के योगदान की बात करते हैं। कॉनरेड लॉरेंज, इन्हें फाउंडर फादर ऑफ इथोलॉजी भी कहते हैं। ये ऑस्कर हेनरोथ के स्टूडेंट थे। इन्होंने स्यू, फ्रॉग्स, मंकी, डॉग, ग्रे लेग गूस पर कार्य करते हुए इम्प्रिंटिंग और चाइल्डहुड लर्निंग ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड जैसी थ्योरीज प्रस्तुत की। इनकी प्रमुख पुस्तकें किंग सोलोमन रिंग्स, मैन मीट डॉग एंड ऑन अग्रेशन थी। कार्ल वॉन फ्रिश्च, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बीज कलर एंड यूवी रेज को देख सकती हैं। इन्होंने बीज में कम्युनिकेशन सिस्टम की खोज की, जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने खोजा कि बीज आपस में कम्युनिकेशन के लिए सर्कल एंड वेगल डांस करती हैं, जिससे फ्लावर की किस्म, सन की हाइव से, हाइव की फ्लावर से एग्जैक्ट पोजीशन को कम्युनिकेट करती हैं। इन्होंने फिशेज में भी हियरिंग एंड कलर विजन का अध्ययन किया। निको टिनबर्जन, इन्होंने बटरफ्लाई, डिगर वेस, थ्री स्पाइंड स्टिकल बैकफिश एंड हेरिंगल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में अध्ययन किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी एनिमल बिहेवियर, द स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट्स, द एनिमल इन इट्स वर्ल्ड एंड सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। इन्होंने साइन स्टिमुलस, चिन्ह उद्दीपन पर कार्य किया जो स्पेसिफिक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर शो करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अंत में हम इथोलॉजिकल स्टडी के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। इथोलॉजी केवल एक एकेडमिक साइंस ही नहीं है, बल्कि यह एनिमल वेलफेयर से भी बहुत सिग्निफिकेंट है। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, न्यूरल नर्वस सिस्टम एंड इकोसिस्टम के बिटवीन एक लिंक बनाती हैं। यह एनिमल अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन के मध्य क्रिटिकल रोल प्ले करती है। इथोलॉजी की न्यूरोसाइंस, एनिमल वेलफेयर, ह्यूमन बिहेवियर के क्षेत्र में बहुत उपयोगिता साबित हुई है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण एनिमल के सेक्सुअल बिहेवियर में बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। अतः इथोलॉजी की हेल्प से हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अर्ली मेजरमेंट्स कर सकते हैं। फील्ड में एनिमल के नेचुरल बिहेवियर की स्टडी का इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में बहुत योगदान है।